रेवेंसवुड के एकांत शहर में एक डरावनी कहानी ग्रामीणों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई। वे धीमे स्वर में फुसफुसाती परछाइयों के बारे में बात कर रहे थे। एक द्वेषपूर्ण शक्ति जो अंधेरे में छिपी हुई थी उन अनजान आत्माओं का शिकार कर रही थी जो पास के प्रेतवाधित जंगल में जाने का साहस कर रही थी। कई लोगों ने भयानक फुसफुसाहटें सुनी थी और भयानक भूत देखे थे, लेकिन अब तक कोई भी इस कहानी को बताने के लिए जीवित नहीं था। एमिली से मिले एक बहादुर और जिज्ञासु युवा महिला जो हमेशा रेवेंसवुड की भयानक कहानियों से आकर्षित होती थी। फुसफुसाती परछाइयों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह खतरनाक जंगल में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। केवल एक मंद लालटेन और टिमटिमाते साहस के साथ एमिली ने अज्ञात में कदम रखा उस अंधेरे से अनजान जो उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही एमिली जंगल में गहराई तक गई, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती चीखों ने उसके दिल को घबराहट से भर दिया। ऐसा लग रहा था कि हर कदम उसे सुरक्षा से दूर ले जा रहा है, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। उसके दृढ़ संकल्प ने उस डर पर काबू पा लिया जो उसे खत्म कर देने की धमकी दे रहा था। घने पत्तों के बीच एमिली को एक पुराने केबिन के अवशेष मिले। इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था उन गहरे रहस्यों की ओर संकेत करती है जो इसमें कभी छिपे थे। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं, जो उसे पीछे मुड़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं। फिर भी एक अदम्य जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। केबिन के अंदर एमिली को एक प्राचीन पत्रिका मिली जो एक लंबे समय से भूली हुई आत्मा से संबंधित थी जो पहले जंगल में गई थी। भीतर की डरावनी कहानियों से आतंक और निराशा की कहानियां उजागर हुई जो विस्परिंग शैडोज के नाम से जानी जाने वाली द्वेषपूर्ण शक्ति के अस्तित्व की पुष्टि करती हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, एमिली ने रात को केबिन में रुकने का संकल्प लिया। उस भयावह शक्ति का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प किया जिसने पीढ़ियों से रेवेंसवुड को परेशान किया था। जैसे ही रात हुई, परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी और फुसफुसाहट की एक भयावह सिम्फनी केबिन में गूंज उठी। एमिली के दिल में डर बैठ गया, लेकिन वह अपने संकल्प पर कायम रही। भयावह रात बीतती गई और एमिली के दृढ़ संकल्प की परीक्षा हुई। अनदेखे हाथ अंधेरे से बाहर निकलते दिख रहे थे और भूतिया आकृतियां उसकी दृष्टि की परिधि में नृत्य कर रही थीं। केबिन की हर चरमराहट और कराह ने उसके दिल में डर को बढ़ा दिया, लेकिन वह जवाब की तलाश में दृढ़ रही। जैसे ही भोर की पहली किरणें खिड़की से बाहर आईं, एमिली को एक भयावह प्रेत की झलक मिली, अंधेरे में डूबे एक आदमी की आकृति। आकृति ने उसे जंगल में और अंदर जाने का इशारा किया। उसका भूतिया हाथ फैला हुआ था। एमिली झिझक रही थी, जिज्ञासा और उसके चारों ओर चेतावनी के संकेतों के बीच उलझी हुई थी। परस्पर विरोधी भावनाओं से अभिभूत होकर एमिली ने आकृति का अनुसरण करने का निर्णय लिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह उसे व्हिस्परिंग शैडोज के स्रोत तक ले जाएगा। कदम दर कदम वह अंधेरे के बीच में और गहराई तक उतरती गई, जब तक कि वह एक उजाड़ जगह पर नहीं पहुंच गई। समाशोधन के केंद्र में एक प्राचीन कांटेदार पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं मौत की कंकाल उंगलियों की तरह मुड़ गईं। एमिली का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसे पेड़ से भारी द्वेष की भावना निकलती महसूस हुई। यह उस द्वेषपूर्ण शक्ति का केंद्र था जिसने रेवेंसवुड को त्रस्त कर दिया था। साहस जुटाकर एमिली पेड़ के पास पहुंची और उसे उसके खोखले तने के भीतर छिपी एक भयावह सच्चाई का पता चला। खोई हुई आत्माओं की आत्माएं परछाइयों में फंसकर रिहाई के लिए तरस रही थीं। जैसे ही उसने उनकी पीड़ा भरी फुसफुसाहट सुनी, उसे अचानक एहसास हुआ, फुसफुसाती परछाइयां कोई द्वेषपूर्ण इकाई नहीं थीं, बल्कि शांति की चाह रखने वाली पीड़ित आत्माओं की चीखें थीं। नई मिली सहानुभूति के साथ एमिली ने फंसी आत्माओं को मुक्ति दिलाने में मदद करने की कसम खाई। पत्रिका के निर्देशों से प्रेरित होकर उसने एक अनुष्ठान किया जिसने आत्माओं को उनकी शाश्वत पीड़ा से मुक्त कर दिया। जैसे ही आखिरी फुसफुसाहट दूर हुई, जंगल हल्का महसूस हुआ और दमनकारी अंधेरा दूर हो गया। एमिली की बहादुरी की बात पूरे रेवेंसवुड में फैल गई और वह आशा और साहस का प्रतीक बन गई।
ग्रामीणों ने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया और फुसफुसाती परछाइयों की कथा मुक्ति की कहानी में बदल गई और इस तरह एमिली की कहानी अपने अंत तक पहुंच गई। लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। उसने दुनिया के रहस्यों का पता लगाना जारी रखा, अपने अनुभवों का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और सबसे अंधेरी जगहों पर रोशनी चमकाने के लिए किया। रेवेन्सवुड में किंवदंती जीवित रही, लेकिन सताते डर की जगह उस बहादुर युवा महिला के प्रति आश्चर्य और श्रद्धा की भावना ने ले ली, जिसने छाया का सामना किया और विजयी हुई। उस दिन से जंगल अब डर का स्थान नहीं, बल्कि साहस और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। इसी के साथ प्रिय पाठक, मैं आपको अलविदा कहता हूं और एमिली की कहानी आपके दिल में बसती रहे। आपको अपने डर का सामना करने और छाया के भीतर प्रकाश की तलाश करने के लिए प्रेरित करें।